आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों का, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और हमारे संवादात्मक विचारों द्वारा ज्ञात होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये भी सही है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त दोनों विरोधाभासी तथ्यों को संतुष्ट करेगा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, विकल्प है आपके पास में ये अ, ब, स और ये है बच्चों हमारे पास में द। हमें ये दोनों के दोनों ही सिद्ध करने हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है, प्रकाश की तस्मय से अधिक होती है, ठीक है, और एक मिलीमीटर की कोटि की होती है, या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वस्तु की आकृति से बहुत छोटी होती है। तो जी हाँ बच्चों, जो हमारा द है वो एकदम सही जवाब है। वो कैसे कि जो प्रकाश जिस वस्तु पर आपतित होता है ना, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, मैं तो इस वाले तरीके से बताता हूँ, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें ज्यादा बड़ी वस्तु की जरूरत नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में हमें बात पता है कि जो प्रकाश है ना, वो कैसा है, वो होता है हमारा बच्चों बहुत, मतलब इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम है ना, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम। या फिर मैं ऐसे करके बोलूं तो जो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है बच्चों, वस्तु की तुलना में, है ना, वस्तु की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। अब जो हमारी ध्वनि तरंग होती है तो उनके परावर्तन के लिए तो हमें क्या चाहिए बेटा, उनसे बहुत बड़ा हमें वस्तु चाहिए उसके परावर्तन के लिए, जिससे कि क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये छोटी सी जगह से भी क्या कर जाएगा बच्चों, ये परावर्तन कर जाएगा। जनरली कहने का मतलब यह है कि जो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है जनरली वो कैसी होती है, वस्तुओं की तुलना में बहुत बहुत कम होती है, जिसे हम सामान्य रूप से देखते हैं, ठीक है। और इनकी तरंग दैर्ध्य जो है ना वो लगभग किस कोटि की होती है, सेंटीमीटर या इससे अधिक कोटि की है ना, यानी कि किसकी, सेंटीमीटर या इससे अधिक कोटि की इसकी क्या होती है बच्चों, तरंग दैर्ध्य होती है। तो जनरली अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो एक मिलीमीटर की कोटि की, तो जी नहीं बच्चों, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, ठीक है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो वस्तु की आकृति से बहुत छोटी होती है जनरली, बाकी और इन सब चीजों से हम लोग संपूर्ण तरीके से ये दोनों के दोनों संवादों को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो द हमारा सही है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।